कैसा होने वाला है बेबी, आई मीन किस पे जाने वाला है, क्या दिखता है वो। मैं तो बहुत एक्साइटेड, आज मैं कराने जा रही हूँ अपना अल्ट्रासाउंड जो कि होता है 28 से 30 वीक पे, और अभी करंटली मेरा 30 वीक्स रनिंग चल रहा है। तो ये वाला जो अल्ट्रासाउंड होता है वो थोड़ा स्पेशल होता है, जिसको बोलते हैं हम कलर डॉपलर। अगर बेबी सही पोजीशन में होता है तो वो काफ़ी क्लियर इमेज होती है, क्योंकि अब तक बेबी पूरा डेवलप हो चुका है, उसके जो भी फेशियल फीचर्स हैं वो भी ऑलमोस्ट डेवलप हो चुके होते हैं। तो इसमें काइंड ऑफ हमें दिख जाता है कि बेबी का फेस कैसा होने वाला है, मतलब थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाता है। मैं और प्रिंस काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि हमारा ये वाला अल्ट्रासाउंड जल्दी से आए, टाइम पास आए, और हम ये वाला अल्ट्रासाउंड करा के आए। तो फाइनली वो दिन आ गया है, और आज हम फाइनली अपना अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं कलर डॉपलर। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ क्लिनिक के बाहर, और मुझे ना वो समझ नहीं आ रहा, बड़ी मिक्स ही फीलिंग है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एक्साइटेड हूँ या नर्वस हूँ। तो अब इतना वेट क्यों करना, तो चलो फाइनली चलते हैं अंदर। और यहाँ पे आके प्रिंस कर रहे थे कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी, जो भी इनको रिपोर्ट्स चाहिए होती है लास्ट स्कैन वगैरह की। भाई अल्ट्रासाउंड के लिए तो बहुत ज़्यादा वेटिंग है, और वहाँ पे काफ़ी टाइम लगने वाला है, मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहना चाहिए, तो हमने आसपास में सर्च किया कि क्या है खाने का ऑप्शन। तो हम लोग आ गए डोमिनोज, और प्रिंस वहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, यू नो हस्बैंड ऑन ड्यूटी। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड। वैसे तो प्रेगनेंसी में जितना हो सके आपको अवॉइड ही करना चाहिए बाहर का, बट अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इन्जॉय। और जब हम लोग खा पी के वापस क्लिनिक आए तब भी यहाँ पे उतनी ही वेटिंग थी, और हमारे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था यहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराना, तो हम कहीं जा भी नहीं सकते थे। मन कैसा लग रहा है? नहीं। ये गाना बनता है फिर। मैं दिखा नहीं रही हूँ, वो नहीं दिखा रही मैं। लड़का कह रही है लड़का। चलो मम्मा देख के बताओ क्या लगा। हम नहीं बताएंगे ना, आप बताओ। देखो मैं तो सब कुछ देख रहा हूँ, अभी तो कुछ नहीं हो सकता, अभी थोड़ा बड़ा है वो। हैं? कुछ नहीं हो सकता, हमने क्या करना, कुछ नहीं दिखता इसमें। हाँ नहीं, ये एक्चुअली पता क्या है, ये वाला हाँ एक्चुअली पता क्या है, उन्होंने पूरा ट्राई किया, वो पूरा अंदर दूसरी साइड फेस करके बैठा हुआ था, उन्होंने बहुत ट्राई किया। ये फेस तो है वैसे। हाँ बड़ी मुश्किल से मिला उसे। अच्छा। कह रहा बार बार हाथ रख रहा है, उल्टा कर रहा है, नहीं हो पा रहा। पैर रख लिया आगे, कभी कुछ रख लिया। आपको क्या लग रहा है? फादर राहुल है ना। लड़का नहीं, लड़का लड़का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ ना। मैं आपसे देख रहा कह रही हूँ, फेस लड़कियों वाला नहीं है। नहीं है ना, मोटा मोटा सा है ना लड़को वाला। बीवा और क्या आपकी तरह? बाल तो हमारे परिवार भी गए हैं। क्यों? हमारे परिवार में बाल की शॉर्टेज कम है ना, दादाजी को देख लो हमारे एलोपेसी है। प्रॉपर बाल लेके बैठे दादाजी हमारे सारे। मतलब है कि जो पूर्वज चलते आ रहे पीछे से उनकी बालों की ग्रोथ बड़ी अच्छी है। तो मतलब बेबी की ग्रोथ अच्छी है, बालों की ग्रोथ अच्छी है। हाँ बालों की, बेबी की इसके अभी बालों की ग्रोथ अच्छी है। तीन फोटो, तीन फोटो दे रहा हूँ मैं। दो बोला था उसने, दो ही है। अरे ये नहीं है, ये पढ़ी इधर, ये कान मुंह नाक। ये हाथ है? हाँ दो हाथ, तो बार बार मैं हाथ अपने आगे ला रहा था, फोटो नहीं खींचने। फोट ठीक से आया नहीं क्योंकि वो पोजीशन गड़बड़ थी। ऑब्जर्वेशन है बाबा का, पक्की बात।
अभी कैसे पता होगा पापा हमें? लड़के वाली शक्ल लग रही है, पर नाक मेरे पे गई है। बोलना भी नहीं है बाबा आपको गांव की लैंग्वेज, बोलनी नहीं आई आपको गांव की लैंग्वेज। चलो गाइस, इनका भी लड़का और आपका, मैं प्रूफ दे चुका हूँ। उसकी बंद थी, मैंने खोल दी आंखें, फोकस ही नहीं कर पा रहा। ओ भाई, सही ड्राइंग बनाई है तुमने, लेकिन आगे खोल दी, काला काला कर दिया। ये किसकी फोटो है? नोनी नहीं आई है, बताइए कौन है, भाई है बहन है? ये भाई है भाई, कोई नहीं। और ऊपर वाला ये बहन है, नहीं बेटू एक ही है, ये बताइए कौन है, दोनों में से कौन है? नहीं एक बता कौन है ये? भाई बहन, एक बताना है, ये दोनों मैं बता। बेबी बॉय लग रहा है, हैं इसकी तरह नहीं है, नोज है, ये आईज है, आईज बंद है, हां आईज बंद है, ये ईयर है, ये वो कह रहे हैं कल लिया नहीं गया क्योंकि उसका मुंह ना इसकी पेट की तरफ था, पीठ को आगे बाहर लग रहा है, बाकी देखो आप, देखो मुझे भी बॉय लग रहा है, देखो मैं भगवान नहीं हूँ लेकिन ये मेरे को ऐसा लगता है, ये लड़का है, देखो भाई ना। फाइनली रिपोर्ट्स मेरे हाथ में है, बट पता है क्या, जो मैंने सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, मतलब जो हम लोगों ने सोचा था कि बेबी का फेस देखेंगे ऐसा वैसा, काफ़ी कुछ जो हमने सोच रखा था, हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे इस अल्ट्रासाउंड के लिए। बेबी की जो पोजीशन थी वो बैक साइड उसका फ्रंट साइड था, मतलब मेरी टमी के साइड जो था वो उसका बैक था, उसकी स्पाइन दिख रही थी, ठीक है। काफ़ी देर ट्राई करने के बाद भी उसने अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं की, तो बहुत मुश्किल से हमें उसका एक साइड फेस मिला था जिसमें वो थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, उसका फेस इसमें दिख रहा है, नोज़ आईज और इतना साइड फेस दिख रहा है जिसमें लिप्स भी दिख रहे हैं, तो मुझे तो इसको देख के भी बहुत ऐसे सुकून मिला, मतलब होप फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो हमारा जो इसके बाद स्कैन होना है वो आफ्टर 4 वीक्स होना है, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते वो किस पे गया है, बट येस आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी कि सब कुछ ठीक है, थैंक्स टू हनुमान जी, आगे भी सब कुछ ऐसे ही अच्छा अच्छा रहे। बेबी की नाक बहुत मोटी है, तो मेरी मम्मी ने जब देखा तो उन्होंने बोला कि मेरी, जब मैं पैदा हुई थी ना तो मेरी नाक बहुत मोटी थी, बिल्कुल ऐसी थी जैसी इसमें है ना, तो इसकी नोज़ तो डेफिनेटली मेरे पे ही गई है, इसके लिप्स ऐसा लग रहा है जैसे प्रिंस पे गए हैं क्योंकि मेरे लिप्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी कुछ कह नहीं सकते यार, ये तो बहुत छोटा सा है, मतलब और वो भी साइड फेस है, तो कुछ भी नहीं कह सकते। अब तो ये जब आएगा तभी पता चलेगा ये किस पे गया है, बट मैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी अपना, जो मेरा आफ्टर 4 वीक्स जो नेक्स्ट जो मेरा स्कैन है वो 8th मंथ का है, तो मैं उसका भी ब्लॉग बनाऊंगी, और उसकी जो भी मेरी फ़ोटो आएगी अच्छी आएगी तो मैं पक्का शेयर करूंगी, और अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा वो भी शेयर। आज के लिए बस इतना ही, सो फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय, लव यू।